Hey! Hey, my bag! My bag! Hey! Hey, my bag! Look! Come on, come on, come on, come on, my boy! Pakat, pakat! ये ना कहीं से चोरी करके आए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो चोरी के केस और बढ़ जाएंगे। कहाँ गया ये? साइड गया है। ये लड़की, तूने यहाँ पे ना व्हाइट शर्ट में और ब्लैक पैंट में किसी लड़के को देखा? उसने ना मेरा बैग चोरी कर लिया है। पता नहीं किधर चला गया। इधर ही है, तूने देखा? मेरे को बता। नहीं भैया, मैंने तो ऐसे किसी लड़के को नहीं देखा। यहाँ कोई नहीं आया, मैं खड़ी हुई हूँ अकेले। अच्छा, तो तुझे नहीं पता वो लड़का कहाँ गया? देख, ज्यादा झूठ मत बोल। मैंने उसका पीछे किया है, वो यहीं आया है। तू सच सच बता दे वो लड़का कहाँ है। नहीं भैया, मैंने तो नहीं देखा। एक्चुअली मैं यहाँ पर ना ऐसा कोई लड़का आया ही नहीं है। कितनी देर से मैं यहाँ अकेले खड़ी हूँ और आप देखो ना, यहाँ कोई भी नहीं है। सिर्फ कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है। अच्छा, कूड़ा कबाड़ा। बात तो सही कह रही है, लेकिन एक बात बता, तूने भी व्हाइट शर्ट पहनी हो, ब्लैक पैंट पहनी है, कहीं वो तेरे संग का तो नहीं है? और तूने उसको छुपा दिया यहाँ पर। सच सच बता, वो लड़का कहाँ पर है? अरे नहीं भैया, आप कैसी बात कर रहे हैं? और व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट किसी एक पर्सन पे थोड़ी ना, बहुत सारे ऑफिस के लोगों ने भी पहन रखी होगी। स्कूल के बच्चे भी व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट कैरी करते हैं। तो मेरी क्या बात है मिस, मैं भी ना ऑफिस के लिए जा रही थी, और ये जो कबाड़े के गोदाम के जो भैया है ना, वो एक्चुअली मेरे सगे भाई हैं, तो बस मैं उनका वेट कर रही थी यहाँ। क्या, इस गोदाम के मालिक तेरे भैया हैं? अरे भैया, कैसी बात कर रहे हैं? अब ये गोदाम के आगे मैं खड़ी हूँ और उनका इंतजार कर रही हूँ। मेरी भैया हैं वो। अच्छा, तुम मुझसे ना गलतफहमी हो गई होगी। चल ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, मुझे ना कुछ करना ही पड़ेगा। अभी ना इनको सबक सिखाता हूँ मैं। हेलो, हाँ सर, थाने से बात कर रहे हैं? अरे मेरी छोड़िए सर, मैं पास के गोदाम से ही बात कर रहा हूँ। अभी भी ना यहाँ पे चोरी हुई है और एक लड़का और लड़की मेरे सामने ही है। ठीक है सर, आप जल्दी आइए, मैं यहीं पे हूँ मैं। ठीक, ओके सर, ओके ओके। अब देखता हूँ ये मुझसे कैसे बचेंगे। बैग, थैंक गॉड, वो चला गया। गया किधर? गया वो उधर की साइड गया। चलो चलो छोड़ो, हम लोग ना अपने पैसे चेक करते हैं, इसके अंदर पैसे है भी या नहीं, और अगर है तो कितने हैं। माला माल हो गए, अब तो ज्यादा दिन तक काम करने की जरूरत नहीं है। चल चलते हैं, जल्दी निकल। चलो, अरे रुको, रुको, जल्दी से कैश पकड़। अरे अंदर बैग जल्दी से, वरना ये देख लेगा। मैं ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ भी तो नहीं, क्या हो रहा है? अब मैं अकेले खड़ी हुई हूँ और मैं ना बस घर के लिए जा ही रही थी। अच्छा, तो ये सब क्या है? तो बेवकूफ समझ रहा है, मैंने सब कुछ देख लिया था, तुम चोरी कर रहे थे और तुमने ना इस लड़के को डब्बे के अंदर छुपा के रखा, मतलब मुझे गुमराह कर रही थी तुम। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। और ये पैसे तो हमारे काम के थे, तो मुझे लगा कि चोरी ना हो जाए, तो मैंने इसीलिए कार्टून रख दिया था इसके ऊपर, है ना। अरे भैया, कैसी बात कर रहे हो? ये पैसे तो हम बैंक से निकाल कर लाए हैं। हमारी दीदी ने हमको बॉक्स में बिठा दिया था कि चोरी ना हो जाए, इसलिए। हम दोनों स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम क्यों चोरी करेंगे। हाँ हाँ, ये एकदम सही कह रहा है, मेरा भाई है ये और मैं इसकी बहन हूँ, है ना। वो लड़की, नहीं बकवास बंद कर, तुम लोग ये कर रहे थे ना, सब कुछ देख लिया मैंने। दरोगा जी आइए, तब आएगी तुम्हारी अकल ठिकाने। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, चलो यहाँ से अब। अरे रुकिए भैया, ये आपका बैग, यही बैग चोरी हुआ था ना आपका? हाँ, ये मेरा बैग है, तुम्हें कहाँ से मिला? ये इन लोगों ने चुराया था आपका बैग। अरे ये तो वही लड़की है ना। क्यों लड़की, तू ज्यादा होशियार बन नहीं थी ना? तू मुझसे क्या बोल रही थी कि वो लड़का यहाँ पर नहीं आया? अब ये कौन है और क्यों भाई, तू बता। मेरा बैग चोरी करके भागा था ना तू? तूने क्या सोचा था कि मैं तुझे पकड़ नहीं पाऊंगा? वो तो भला उस भाई साहब का,
जिसने तुझे पकड़ लिया और साथ साथ पुलिस को भी ले आया। सर अपना इन दोनों को छोड़ना मत, ये ना बहुत बड़े चोर हैं, ये ना मेरा बैग चोरी करके भाग रहे थे, इन भाई साहब ने ना बहुत बड़ी हेल्प की है। सर हमें माफ कर दीजिए, वो एक्चुअली में ना हम दोनों मिले हुए थे, ये मेरा भाई है और मैं इसकी बहन। अच्छा तुम दोनों चोरी करते हो, बेस बदल के पब्लिक को लूटते हो क्या? मैं तुम्हें माफ कर दूं? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और ये उलिया क्या बना रखा है, स्कूल की ड्रेस पहन के चोरी करती हो? इतनी बड़ी हो गई हो और देखने में अच्छे खानदान की लगती हो, और चोरी करती हो तुम्हें शर्म नहीं आती? और क्यों तू तू इसका साथ देता है? तू कोई काम धंधा नहीं कर सकता, चोरी करता है अच्छा खासा है, कोई काम कर ले जाके। और हाँ भाई साहब आपने ना मेरी बहुत मदद की है, अगर आज आप नहीं होते ना तो ये बैग ना ये चोरी करके ले ही जाते, इसमें ना मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, मैंने किसी काम के लिए जा रहा था। सर मुझे माफ कर दो, हमारे से कभी चोरी नहीं करेंगे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आज के बाद में हम कभी चोरी नहीं करेंगे, हम पढ़ाई लिखाई करेंगे और अच्छी कोई अपने लिए जॉब देखेंगे। ऐसा है सर से माफी मांगो, ठीक है, वरना तुम दोनों को ना हनेरी जाके इतने पिटाई करूंगा, आगे से चोरी नहीं करोगे। सर हमें माफ कर दीजिए प्लीज, हम आगे से ना ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। सर प्लीज माफ कर दो हमें, हम कभी नहीं करेंगे अब चोरी। हाँ ठीक है, लेकिन तुम तो लड़की हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए था गंदा काम करते हुए, स्कूल की ड्रेस में चोरी कर रही हो। और सुन तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे है ना, अच्छी सी जॉब देखियो, ऐसा गंदा काम मत करियो, अगर आगे से चोरी करी ना इतनी बड़ी सजा दिलवाऊंगा ना, जिंदगी में चोरी करने लायक नहीं बचेगा तू। सर इनको मैं इस बार तो माफ कर दे रहा हूँ, लेकिन हाँ इनको छोड़ना तब तब इन दोनों की इन्वेस्टिगेशन कर लेना, पहले चेक कर लेना मुझसे पहले कितनी चोरी करी है लोगों ने। अच्छा दरोगा साहब ठीक है मैं चलता हूँ, इन दोनों को देख लेना ठीक है, चलो